बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतिये को हकीर ना समझें, अतिया को, अतिये को, तोहफे को हकीर ना समझें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, ऐ मुसलमान औरतों, कोई पड़ोसन अपनी पड़ोसन को देते हुए अपने अतिये को हकीर ना समझे, अगरचे वो बकरी का खुर ही हो, अगरचे वो बकरी का खुर ही हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, ऐ मुसलमान औरतों, कोई पड़ोसन अपनी पड़ोसन को देते हुए अपने अतिये को हकीर ना समझे, अगरचे वो बकरी का खुर ही हो। जी सही बुखारी में यह हदीस मौजूद है और हदीस है 6017। जी इस हदीस का मतलब यह है कि अपनी हसीयत के मुताबिक मामूली सी मामूली चीज देने में भी हिचकिचाहट या हया महसूस नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो मुयस्सर हो वो दे देना चाहिए। अल्लाह ताला बस औकात जरा बराबर दी हुई चीज का अजर पहाड़ से भी ज्यादा अता कर देता है। बाज औरतें मामूली चीज दूसरों के घरों में बेचते हुए शर्माती हैं, जबकि ये सही नहीं है। ऐन मुमकिन है जिसे आप मामूली ख्याल कर रही हैं वो किसी और के लिए नहायत अहम हो।